देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। आइए देखते हैं आज की ये खबर। सरिगाम स्थित रोटरी सरिगाम हॉस्पिटल में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का किया गया उद्घाटन। वलसाड़ जिला के सरिगाम स्थित रोटरी सरिगाम हॉस्पिटल में सतलज टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के योगदान से कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है। रोटरी सरिगाम हॉस्पिटल में इस डिपार्टमेंट के निर्माण से लगभग 30,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिसका उद्घाटन कंपनी के सीईओ उपदीप सिंह के हाथों किया गया है। जबकि इस उद्घाटन समारोह में वलसाड़ जिला के कलेक्टर सी आर खरसान भी उपस्थित होने वाले थे, परंतु किसी कारण वे नहीं आ सके। इस मौके पर सतलज टेक्सटाइल के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा, एचआर के वरिष्ठ प्रबंधक तथा संस्थान के सभी विभागों के मुख्य प्रबंधक एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। सतलज टेक्सटाइल कंपनी के बिरला ग्रुप की कंपनी है और सतलज कंपनी द्वारा सरिगाम के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कई जनहित के कार्य किए गए हैं। आपको बता दें कि के बिरला फाउंडेशन की संस्थापना सन 1991 में कृष्ण कुमार बिरला जी ने की थी। इसका उद्देश्य साहित्य, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी काम करता है। आइए देखते हैं सरिगाम से हमारे सहयोगी आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। यहाँ पे जब मैं 2018 में ज्वाइन किया तो लगभग 2-3 महीने के बाद मेरे को डॉक्टर परमार से मिलने का मौका मिला। डॉक्टर परमार से जो मिला मैं डॉक्टर दौलत भाई जी के थ्रू, तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताया तो मेरा इनसे इंटरेक्शन बढ़ना चालू हुआ। तो उस टाइम इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक रोटरी हॉस्पिटल भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, तो आप एक बार यहाँ विजिट करिए। तो मैंने आया यहाँ पे तो मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा इन्होंने फैसिलिटी जो है डेवलप की है। तो उस टाइम पहले इनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी फिजियोथेरेपी वार्ड को डेवलप करने के लिए, तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ मेरा अपने सीनियर्स के साथ। तो फाइनली हम लोगों ने जो कैजुअलिटी रूम जो ज़्यादा हम लोगों को लगा कि ज़्यादा नीडी है इस एरिए के लिए, तो मैं थैंकफुल हूँ उपदीप सिंह जी का कि जिन्होंने मेरे को काफ़ी इसमें सहयोग दिया है और ये सेंक्शन किया है इन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से, जिससे कि आज हम लोग इस एरिया में एक हॉस्पिटल में कैजुअलिटी रूम को डोनेट कर पाए हैं सीएसआर एक्टिविटीज के। और आगे भी इस एरिया में हम लोग काफी, जैसे पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पे बैकून दाम बनाया है दिल्ली काम में, तो उसमें भी सतलुज इंडस्ट्री ने काफी सहयोग दिया था। तो ऐसे कुछ ना कुछ कंपनी जो है करती रहती है सीएसआर एक्टिविटीज, तो जैसे आगे भी मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, आप लोगों ने आज एक रोटरी के लिए जो इतना बड़ा योगदान दिया है, तो आप लोगों को ये देख के कैसा फीलिंग हो रहा है? सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये हॉस्पिटल देख के इतना अच्छा लगा कि रोटरी क्लब के मेंबर्स ने यहाँ पे पिछले 3 सालों से इतना बढ़िया काम किया। ये एक सबसे, जिसे मैं बोलता हूँ, ये कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी सेवा यही है, और हमें भी आज अच्छा लग रहा है, हमें भी योगदान डालने में हमें इसका अवसर मिला। सर, एक और प्रश्न है कि सीएसआर फंड से आपने काफ़ी सारा उमरगांव तालुका में काम किया है, जैसे कि डेली पंचायत में एक शमशान भूमि के लिए किया है, और इस हॉस्पिटल के लिए अभी आपने एक घोषणा भी की है कि 2020 में सोनोग्राफी के लिए हम अप्रूवल करेंगे अगर हमें बजट रोटरी की तरफ से मिलेगा, तो इसके लिए सर आप करेंगे तो ये रोटरी वाले का भी धन्यवाद कुछ आप देना चाहेंगे? डॉक्टर सर, इट इज आवर ड्यूटी, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और उसकी वजह से कम्युनिटी को हम इतना अच्छे तरह से, एक सोनोग्राफी करने का तो वापी तक जाना पड़ता है, इमरजेंसी होगा तो भी वापी तक जाना पड़ता है। इधर कोई परमानेंट सेंटर इन उमरगाम तालुका सरीगाँव में कोई नहीं है जी, तो इट इज़ अ ग्रेट हेल्प टू अवर हॉस्पिटल एंड वी आर थैंकफुल, सो नो वर्ड्स फॉर दिस। शर्मा साहब, नेल इज द गुड। शर्मा जी, यहाँ सरीगाँव में टोटल लगभग 30,000 पब्लिक है, तो आप लोग ने जो ये डोनेट किया है तो उसमें से 30,000 में से कोई ना कोई लाभदायक रहेगा, तो और भी आगे हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए आप लोग की तरफ से पूरी मदद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।